दिल्ली ने एक दिन प्रदूषण और गंदगी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। आज कार फ्री डे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद साइकिल पर सवार होकर संदेश देने के लिए निकले। स्वच्छ दिल्ली अभियान के लिए बाकायदा एक ऐप भी लॉन्च किया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साइकिल पर, आम आदमी पार्टी के विधायक सड़कों पर, राजधानी दिल्ली ने कुछ इसी अंदाज में मनाया कार फ्री डे। बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक के भारी दबाव को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने साइकिल चलाकर दूसरा कार फ्री डे मनाया। केजरीवाल ने साइकिलिंग के बाद कहा कि दिल्ली को गाड़ियों से फैलते प्रदूषण से छुटकारा दिलाने के लिए इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। अगर हम ये कार कम कर दें दिल्ली की सड़कों के ऊपर तो प्रदूषण बहुत कम हो सकता है। आज दूसरा कार फ्री डे है, आज भी बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा लंबा था लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे जितना लंबा होता जाएगा सेहत उतनी अच्छी रहेगी अपनी। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने भी पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए कार छोड़कर बसों और साइकिल के जरिए सफर करने की अपील की। तो अभी आज दूसरा है, हर महीने 22 तारीख को दिल्ली में अलग अलग जगहों पर कार फ्री डे हम करेंगे और लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ें, तभी इसका सलूशन निकाल सकते हैं। आज से स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर स्वच्छ दिल्ली अभियान की शुरुआत हो गई है। स्वच्छ दिल्ली अभियान का उद्घाटन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने किया। इस मौके पर सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के अलावा तीनों मेयर भी मौजूद थे। स्वच्छता अभियान के तहत एक ऐप जारी किया गया है जिसे मोबाइल में डाउनलोड कर फोटो क्लिक करके भेजी जा सकती है। इसके बाद 24 घंटे के अंदर सफाई की जाएगी। खास बात यह है कि इस अभियान को दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों मिलकर आगे बढ़ाएंगे। ये सफाई अभियान 22 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान की शुरुआत के घंटे भर बाद ही दिल्ली सरकार को 11,000 से ज्यादा शिकायतें मिली। रविश पाल सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।